जंगल का रास्ता है, डर भी लगता है, अनजान जगह हम हैं अभी। चलिए इनके साथ चलेंगे। हमारी टीम आगे पहुंच गई है। रामचंद्र जी, ओम शनि देवाय नमो नमः, ओम शनि देवाय नमो नमः। हे भगवान शनि देव, हमारी रक्षा करना, और हम जो कार्य कर रहे हैं इसका अच्छा रिजल्ट आए, और हमारे इन पशुधन को इसका पानी पीने को मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। और दोस्तों, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये शिमला हाईवे है, और हमारा रोज का चलना इस सड़क से, हम डेली 100 से 110 किलोमीटर चलते हैं। तो आजकल जैसे आप देख रहे होंगे, गर्मी का मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, पानी की दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, जैसे हैंडपम्प लगाया तो हम पानी पीते हैं वहाँ पर। तो इसी तरह आज हमारे साथ एक सडनली कुछ हुआ, जैसे हम सड़क के किनारे बैठे थे, कुछ पक्षी उधर से चहलते हुए आगे को आए, हमें देख के वो दोबारा वापस जंगल की तरफ लौटने लगे। तो हमने देखा कि यार, ये गर्मी की वजह से, इतना गर्मी पड़ रही है, पानी के लिए हुई इस गांव की तरफ आए और हमें देख के डर के भाग गए। तो हमने सोचा कि हाँ, क्यों ना इन पशु पक्षियों के लिए कुछ किया जाए। तो आज हम आए हैं, आप देख रहे होंगे, ये सोचते सोचते ये घटना जब कल हमारे साथ घटी, आज हम इस गांव में आए। कुंजा ग्रांट है यहाँ पर, शिमला हाईवे पर, शिमला बाईपास जो रोड है, शिमला रोड बोलते हैं। कुंजा ग्राम में आने के बाद हमने यहाँ संपर्क किया बच्चों से और दुकानदारों से कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो इन लोगों ने बताया कि एक इस जंगल के बीच में एक छोटी सी कुंडी है जिसमें पानी भरा जाता है, वहाँ पर खेड़ा मंदिर बोलते हैं, कुछ मंदिर है वहाँ पे, पूजा की जाती है साल में एक बार, जो इन लोगों से हमें मालूम हुआ। तो हमारे मन में बहुत उत्सुकता हुई और हमने चाहा कि क्यों ना हम अपने इन प्राणियों के लिए, जिनसे ये पूरी वन संपदा बनी है, इनके लिए हम कुछ करें। गांव के कुछ बच्चों को अपने साथ लिया और उनसे बात की कि कितने दूर पानी है, क्या है। तो आज हम उनसे बात करके बहुत खुश हुए, सारे बच्चे इसमें हमारे साथ राजी हुए, वहाँ पानी भरने के लिए। अब हम आज उन पशु पक्षियों के लिए थोड़ा पानी भरेंगे और देखते हैं कितने दूर जंगल में वो कुंडी हमें मिलेगी। जो छोटे छोटे बच्चे मेरे पीछे देखेंगे आप, सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं पानी की बाल्टी लेकर, और अब हम इनके सहयोग से उस पानी की कुंडी को भरेंगे। तो रामचंद्र जी, आप बताओ कि जैसे आपने हमारा सहयोग किया, तो क्या ये होना चाहिए हर हर गांव में इस तरह से पशु पक्षियों के लिए? हर गांव में होना चाहिए इस तरह से। जी जी जी, क्योंकि पशु पक्षियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, हमें कोई ऐसा नहीं कि कहीं ने प्रेस किया, किसी ने बताया, हम आए, तो आपको कैसा लग रहा है कि हम ये काम सही कर रहे हैं समाज के लिए? अच्छा लग रहा है, हम काम ये बिल्कुल सही कर रहे हैं समाज के लिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया लगा कि आपके पूरे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे पूरे बच्चे। तो हम रामचंद्र से आज एक वादा लेके जाते हैं, हम समय समय पर, महीने दो महीने में, जब भी हमें समय लगेगा, क्योंकि हम भी कहीं जॉब करते हैं, तो जैसे समय लगेगा आपके गांव में जरूर आएंगे। रामचंद्र जी और इन बच्चों के सहयोग से, नाम ही रामचंद्र जी है, आज हर किसी के नाम पर रामचंद्र नाम है, कि हमारी एक दो बाल्टियां हैं और दो हमने डब्बे रखे हुए, इनसे हम कुंडी का पानी आज भरेंगे उन पशु पक्षियों के लिए। चलिए, घनघोर जंगल है बीच में, और जैसे रामचंद्र जी और उनकी टीम ने बताया, सभी लोग पानी लेके आ गए हैं। अब हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आए रामचंद्र जी हमारे आगे आगे चलेंगे, क्योंकि ये यहाँ के लोकल लोग हैं, और हम ये बच्चे धीरे धीरे से पानी बदल रहे हैं। रामचंद्र जी, आप आगे जाओ, आप हमें रास्ता दिखाओ, और कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि वो हमारे पीछे पीछे पूरा रास्ता कवर करते जाए। ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं, इससे लोग प्रेरणा लें और लोग भी इस तरह का मुहिम चलाएं। रास्ता बहुत लंबा है, हमारी टीम आगे पहुंच गई है, मैं पीछे छूट गया, क्योंकि मैं इस तरह से पैदल बहुत कम चलते हैं हम लोग, तो समय नहीं है। अब मैं उनको आवाज़ मारूंगा रुकने के लिए, क्योंकि जंगल का रास्ता है, डर भी लगता है, अनजान जगह हम हैं अभी। चलिए इनके साथ चलेंगे। हमारी टीम आगे पहुँच गई है। रामचंद्र जी, एक मिनट, आप जो करेंगे कुंजा ग्रांट से यहाँ तक तकरीबन 500 या 600 मीटर की दूरी होगी,
ये ज़्यादा हो सकती है, अंदाजन हमने लगाया नहीं। और सब बच्चे थके हुए से लग रहे, अभी कुंडी ख़राब है, अब मैंने इनको लकड़ी तोड़ने के लिए लकड़ी ला के इस घास से इसको साफ करेंगे। एक्चुअली एक सिद्ध पीठ भी इसको बोला जाता है यहाँ पर, ये बता रहे हैं जो यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, ये शनि देवता का एक पूजा स्थल बनाने बनाया है, एक शनि देवता का इन्होंने स्थान यहाँ पर रखा है कि जो इन सब ग्रामवासी की और इन पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। तो शनि देवता को ये इनकी साफ सफाई ये बच्चे करते हैं, लेकिन अभी स्कूल जिस चल रहे थे बच्चों को टाइम लगा, तो ये कुंडी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें हम पानी भरेंगे, जिससे यहाँ के लोकल जो पशु पक्षी होंगे, चिड़िया होगी, उनको ये पानी अमृत के समान लगेगा। और धन्य है उन लोगों को जिन्होंने इस तरह से ये कुंडी बनाई। तो रामचंद्र जी, ये कुंडी आप लोगों ने बनाई थी या पहले से बनी हुई थी? और ये पहले से बनी हुई है जी। अच्छा, पहले से बनी हुई है जी। चलो बढ़िया। चलो बच्चे इसकी सफाई करते हैं, पक्के हटा रहे, एक इसके अंदर घूम रहा है और इधर चार तरफ झाड़ू मार देती। और दोस्तों बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आज हमारा जो हल्का सा पसीना निकल रहा है योगदान है उन चिड़िया बत्तख मोर जिनकी आवाज़ से हम प्रेरित होकर यहाँ आए थे, उनको ये पानी पीने को मिलेगा। दोस्तों देख रहे होंगे जितना हमसे हो सक रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे आप, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जितना हमसे हो सका हम साफ कर रहे हैं। अब ये पानी जो हमने घर से भर के लाया था रामचंद्र जी के जो घर के बगल में हैडपम्प है, अब इस हम इस पानी को इस कुंडी में डालेंगे। रामचंद्र जी डालो। जय श्री राम, जय गणपति नमः, जय शनि देवताय नमः, जय हो भगवान। तो अभी हम इसको भरेंगे, एक चक्कर और लेके आएंगे पानी का, इसमें इतना पानी आ जाएगी पशु पक्षी इस पानी को पी सके। नमो नमः, ओम शनि देवाय नमो नमः, ओम शनि देवाय नमो नमः। हे भगवान शनि देव, हमारी रक्षा करना, और हम जो कार्य कर रहे हैं इसका अच्छा रिजल्ट आए और हमारे इन पशुधन को इसका पानी पीने को मिले। जय हो। चलो यहाँ पे जो हम सब साफ सफाई भी रखते हैं, हाँ, और सब भाई लोग हैं जो गांव वाले हैं जी मिलके नए साल पे पहली तारीख को भंडारा भी करते हैं। अच्छा, यहाँ भंडारा भी करते हैं जी, सभी जितने किसान लोग, सभी जितने भाई किसान लोग हैं, हमारे भाई हैं, मजदूर हैं। अच्छा। जैसे भी हैं गांव परिवार में। अच्छा। कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, कोई पैसे देता है। अच्छा। जो भी जिससे बनता है वो देता है जी। मिलके सब हम यहाँ भंडारा करते हैं जी। और दुर्भत्सा करते हैं इसकी, सभी गांव वाले और भी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। जैसे भंडारे में बाहर के लोग भी आते हैं, गाँव के आते हैं? बाहर के भी आते हैं जी, हाँ जी, भंडारे में बाहर के भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। रामचंद्र जी से हमारी अभी हमारी जो फार्मिंग आइडिया की टीम है, इसने एक संस्था भी बनाई है, नव कुंज समिति जी। वो चाहेगी कि इस तरह के प्रयास होते रहें गांव में, पेड़ पशुधन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। हम इसमें काम भी कर रहे हैं और तो धीरे धीरे हम करते भी रहेंगे। जो आगे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ सरकार से कुछ सहायता मिलेगी, हम जरूर आप तक पहुँचाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी। जी जी, हमने श्रमदान किया पानी का, हमारे साथ बच्चे थे, उनका मैं नाम पूछता हूँ। बाबू आपका नाम क्या है, जोर से बोलना। रोहित। पूरा नाम? रोहित। रोहित, दूसरा कौन था, नाम क्या है? हर्ष। हर्ष, हर्ष, वेरी गुड। आपका? हिमांशु। और देखो इन बच्चों ने आज हमारे साथ जो नौकुंज समिति का जो एक प्रयास भी है फार्मिंग आइडिया के साथ, वो प्रयास पूरा किया। और हमारे रामचंद्र जी का तो बहुत ही सहयोग है इसमें जो हमने आज कार्य किया। तो ये बच्चों हमने ये काम क्या करना है, मैं रोज़ तो आऊँगा नहीं यहाँ पर, तो हफ्ते में एक बार क्या करना है आपको, छोटे छोटे बर्तन लेके 5 लीटर की वहाँ डालनी है। ठीक है, वादा करते हो? हम दोबारा यहाँ आपसे मिलेंगे एक बार फिर आपके साथ। और आपको कितना मज़ा आया आज, हम जैसे लोग आए कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा सबको, जोर से बोलो कितना अच्छा लगा। और जो हमारे और बच्चे जो छोटे बच्चे जिन छोटे बच्चों को हमने रोका था, आप लोगों को हम इसलिए लेके कि बीच में सड़क है, हाईवे है, तो खतरा है यहाँ पर, तो हम इसलिए बड़े बच्चों को यहाँ पर लेके थे। तो बच्चों इस तरह से काम करते रहोगे, पुण्य के काम, ये इस काम को कोई देखता नहीं, ना इसका कोई हमें पैसा मिलना है, ये सब हमारे कर्म के साथ लिखे जाते हैं। बोलते हैं जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा उसको फल मिलेगा, फल मिलेगा। तो बच्चों आज जो हमने काम किया कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा, तो आप लोग डेली वहाँ पानी डालोगे?
हफ्ते में या एक या दो दिन डिसाइड करोगे, डालोगे ना? यस सर। चल बहुत बढ़िया, धन्यवाद पूरी टीम के लिए हमारी। ये हमारी नौकुंड समिति की मानो ये छोटी सी टीम है, आज जिन्होंने श्रमदान किया और जंगल में जो कुंडी बनी वहाँ पानी डाला, बहुत मेहनत करी इन बच्चों ने और इन्हीं के हौसले से हम ये वहाँ तक पहुँच पाए। और विशेष सहयोग हमारे इस कुंजा ग्राम के रामचंद्र जी का, जिनके सहयोग से हमें आज उस कुंडी का पता चला। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो बनाकर लोग प्रेरित हों और जहाँ कहीं भी इस तरह के जंगल झाड़ी के या इस तरह से एरिया है वहाँ पर अपने नज़दीकी इस तरह से पानी डालते रहें, क्योंकि जिस तरह से हमें जीने का अधिकार है, इन पेड़ पौधे पशुओं को भी जीने का अधिकार है। इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।